जो कंपैरिजन करेगा दो स्ट्रिंग को वो करेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्काई वैल्यू। जैसे हमने एक स्ट्रिंग ली अमित और एक ली भरत, तो बी की स्काई वैल्यू एज़ कम्पेयर टू ए ज़्यादा है तो इसको बड़ा बताएगा इस वाली स्ट्रिंग को। कैसे, मैं दो स्ट्रिंग ले लेता हूँ, यहाँ पर हमने PHP लगाया। पहली स्ट्रिंग हमने ली डॉलर str1 इक्वल्स टू अमित, और दूसरी डॉलर str2 इक्वल्स टू भरत। तो ए और बी आ रहे हैं यहाँ पर। अब हम कंपेयर करेंगे कि डॉलर str1 इज़ ग्रेटर दैन डॉलर str2। यहाँ पर प्रिंट कर देंगे डॉलर str1 और यहाँ पर बोल देंगे इज ग्रेटर, एल्स प्रिंट डॉलर str2 इज ग्रेटर। ग्रेटर डॉट PHP के नाम से सेव कर देते हैं, str1 लगा देते हैं ये लोग। क्या नाम था? ग्रेटर। देखो भरत इज़ ग्रेटर क्योंकि उसमें स्काई वैल्यू बी की ज़्यादा है ना। अगर दोनों नाम एक जैसे ले लो, जैसे मैंने AMIT दोनों बराबर लिए, तो अब तो इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं रह गया, तो अमित इज़ ग्रेटर वही बताएगा पहले वाला ही, है ना। लेकिन पहले वाला ही क्यों बताया? हाँ, क्योंकि दोनों सेम ही है ना, तो इसने दूसरे ये एल्स में चला गया और इसने ये बता दिया। अब अगर अमित और आमिर कर दें, यहाँ पर आर और टी का फ़र्क आ जाएगा, तो टी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू आर, तो अमित को ग्रेटर दिखाएगा, देखो, है ना। और अगर हम लोग कुछ और ऐसा नाम ले लें जिसमें लाइक यहाँ पर ऊपर आर नहीं नीचे टी, यहाँ पर एच लिख देता हूँ, ठीक है, तो आमिश को ग्रेटर बताएगा, है ना। यानी कि स्काई वैल्यू के बेस पे कंपैरिजन किया जाता है, ये काम होता है इसका, ठीक है। स्काई वैल्यू तुम समझते ही होंगे, अगर हमने कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक लिया तो इसके स्काई वैल्यू होती है 65 to 90, इसके बीच में होती है। स्मॉल ए से जेड तक लिया तो इनके स्काई वैल्यू होती है 97 to 122, और अगर हमने लिया 0 से 9 तक डिजिट्स लिए हैं तो इनके स्काई वैल्यू होती है 48 to 57, ठीक है, ये इसका वैल्यू होती है। बाकी और केस की भी इसका वैल्यू होती है, तो इस तरह से इसका वैल्यू के बेस पे कर रहा है इसको, ठीक है।